आज तक मैं बहुत तरीके से आर्ट मोबाइल पे 100 डे किया हूँ, जैसे कि कभी स्वाम्प पे, कभी PBXC सर्वर पे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी रेडूट ओनली, बट मैं कभी भी शायद गेम को नॉर्मल तरीके से खेल के 100 डे नहीं किया। तो आज के वीडियो पे मैं वही करूँगा, और जो सामने डंजियन आएगा मैं उस पर ही एंटर करूँगा, ना कि कोई दूसरे डंजियन पे। हाँ, वो बदला गया, अगर मेरे पास एम्बर हुआ तो चला जाऊँगा, बट तुम लोग ध्यान से सुनो मेरा बात को। हो सकता है मैं ऐसे भी 100 डे किया हूँ नॉर्मल गेम को खेल के, मतलब कि कोई भी बायोम पे जा सकता हो, कुछ भी कर सकते हो वैसा करके। तो इसी कारण से मैं इस वाले 100 डे में कोई भी केप का यूज नहीं करूंगा, केप में कोई भी केप पे जाऊंगा नहीं। अगर जाता भी हूं तो आर्टिफैक्ट ट्रिब्यूट नहीं करूंगा, अगर कर भी लेता हूं तो ट्रिब्यूट करके जो भी सामान आएगा, जो भी एसेंडेड वगैरह कुछ भी अगर आए या शूटिंग बम भी आए, उसका मैं हेल्प ही नहीं लूंगा, यूज ही नहीं करूंगा पूरा गेम प्ले पे। और बॉस फाइट पे तो मैं कोई भी आर्टिफैक्ट ट्रिब्यूट करके, कोई भी सामान लेके, इतना कि आर्मर भी लेके नहीं जाऊंगा। इनके मिशन कंप्लीट करके अगर कोई भी मुझे एसेंडेड आर्मर या वेपन मिले तो उसको ही लेके मैं डंजियन पे जाऊंगा, या फिर नॉर्मल गेम को खेलूंगा, या फिर अगर उनमें से कुछ भी ना मिले तो मैं नॉर्मली डंजियन पे जाऊंगा, कोई एसेंडेड आर्मर ना लेके, एसेंडेड वेपन ना लेके। और अगर जो मुझे केप करना भी पड़े किसी भी हालत में, तो उसमें जो भी आर्टिफैक्ट मैं ट्रिब्यूट करूंगा उससे कोई भी सामान में यूज नहीं करूंगा, उसका मैं डंजियन पर भी यूज नहीं करूंगा और गेम खेलने के टाइम पर भी नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर यही सवाल आता है, क्या मैं लास्ट तक सर्वाइव कर पाऊंगा और डंजियन कंप्लीट कर पाऊंगा? देखो, इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता, और इसका आंसर अगर तुम्हें जानना है तो ऑब्वियसली हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी तुम्हें पूरा देखना पड़ेगा। सो गेम स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले मैं अपना ग्राफिक वगैरह ठीक कर लिया। हाँ, मतलब वो जिससे क्वालिटी अच्छा है वो बात अलग है कि 720 पर ही रिकॉर्ड हो रहा है। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरा स्टोरेज का भी दिक्कत, तो हार्ड करके मैं सिलेक्ट कर लिया, और वो मैं रिकॉर्ड भी कर लिया था, जिससे मतलब बाकी लोगों को बाद में परेशानी ना हो कि भाई ये क्या किया था, सही मतलब हार्ड कोड रियल में किया था कि नहीं। तो फिलहाल मैं अपना कैरेक्टर भी उस टाइम पर सिलेक्ट कर लिया था। पहले मैं सोच रहा था कि साउथ पे स्पॉन हो जाऊँ, उसके बाद मैंने देखा कि साउथ पे होने का ज़रूरत नहीं है, इस बार वेस्ट पे स्पॉन होऊंगा, तो इस 3 जोन पे मैं स्पॉन हो गया। वैसे यहाँ पर उतना कोई खतरा तो होता नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत होता है, नहीं इस जगह पे होता है, रैप्टर होता है, और वैसे में अगर 1 पे होता है तो वहाँ पर स्पाइन होता है थोड़ा बहुत। तो फिलहाल मैं डे 1, एक्चुअली मैं बोलना ही भूल गया, तो डे 1 पे एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत अपना परस्यूट कंप्लीट किया, जैसे कि नॉर्मल जो परस्यूट वगैरह होता है। तो सबसे पहले मैं अपना APP से TPP किया, और यहाँ पर जंप वगैरह का ऑप्शन आ रहा था, और सामने आ गया था टाइटन, और ये टाइटन वैसे मैं देख रहा था इसका लेवल कितना है। तो लेवल देखने से पहले मैं अपना स्टोन फोन वगैरह जो नॉर्मल परस्यूट होता है वो मैं कंप्लीट करने लग गया, जैसे कि बेरी वगैरह, फार्म वगैरह, और उसके बाद मैं APP करके थोड़ा सा टाइटन को देखा, उसके बाद मैं थोड़ा सा वुड को और थैच को तोड़ने लगा, जिससे मेरा परस्यूट कंप्लीट हो जाए। और ऐसे परस्यूट करते करते मेरा डे 1 बीत गया। वैसे और भी काफ़ी सारा परस्यूट किया, और उस टाइम पे मैं एक बार टाइटन का लेवल देखने भी आ गया था। वैसे पता ही है लेवल 1 का ही स्पॉन होगा, बट फिर भी मुझे लग रहा था कि पता नहीं अगर, बट ये लेवल 1 का ही था। वैसे आर्क का ओल्ड वर्सन पे लेवल 1 से भी ज़्यादा होता था। खैर, ये सारा कुछ छोड़ो, तो पिकैक्स मैंने बना लिया, और पिकैक्स बनाने के बाद मैं अपना हॉट बार पे बाकी बेरी फेरी वगैरह मैं सिलेक्ट कर लिया, पिकैक्स भी सिलेक्ट कर लिया, और डे 1 पे एक्चुअली ये सारा कुछ काम करते करते बीत गया। मेरा लेवल अप भी हुआ, और थोड़ा बहुत ही लेवल अप हुआ, और उसके साथ काफ़ी सारा मैं काम भी किया, जैसे कि वुड तोड़ना, बेरी कलेक्ट करना और बेरी खाना, और उसके साथ पानी पीना वगैरह वगैरह, स्टोन कलेक्ट करना, बीम तोड़ना वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ करते करते मेरा डे 1 बर्बाद हो गया, मतलब डे 1 चला गया। और साथ ही साथ मैं 2-4 डीलों को भी मारा, जो मारने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। और एक बात मैं बोल दूँ, ये हार्ड कोर है, तो मैं अगर मर जाता हूँ तो चाके भी मैं दोबारा नहीं खेल पाऊँगा, बिकॉज एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, मतलब जब मेरा लेवल अप हो जाएगा 11 या 12 लेवल हो जाएगा, उसके बाद मैं मरने के बाद सीधा 9 लेवल पर पहुँच जाऊँगा, तो मेरा इनग्राम भी चला जाएगा, सारा मेहनत चला जाएगा, तो कोई मतलब नहीं होगा। और ऊपर से जो भी कुछ मैं परस्यूट किया हूँ वो परस्यूट भी वापस नहीं आएगा, तो मैं डे 1 ये सारा कुछ करते करते ही मेरा टाइम बर्बाद हो गया।
डे वन के सुबह के टाइम पे मैं कार्बोनी के साथ एक्चुअली डीलो का फाइट लगा के हाई लेवल के कार्बोनी के वजह से डीलो मर गया था और मुझे हाइट भी मिल गया था और थोड़ा बहुत लेवल अप भी हुआ था और उसके बाद लो लेवल का थोड़ा बहुत डीलो को भी मारा। रात के टाइम पे मैं जो दो चार जो कार्बोनी था आसपास का उनको भी मैं मारा स्पाइक काफ़ी सारा बना के। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलती किया था बिकॉज ये कार्बोनी का अगर ना मारता तो बढ़िया ही होता बिकॉज कार्बोनी हेल्प भी कर रहा था क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लेवल का भी था और यहाँ पर कोई खतरा वाला खतरनाक डायनो अगर आएगा तो पहले इनके साथ भी फाइट करेगा और इनके साथ फाइट करेगा तो ज़रूर मर जाएगा बिकॉज यहाँ पर कोई रेक्स वगैरह तो स्पॉन होने नहीं वाला, रैप्टर वगैरह स्पॉन होगा तो उनको ये अच्छा खासा मार सकता है कार्बोनी और ट्राइक वगैरह। ट्राइक से तो मैं पंगा नहीं लिया डे वन पे, मतलब डे वन के नाइट पे और दिन पे भी, बट मैं कार्बोनी से और डीलो से काफ़ी अच्छा पंगा ले लिया था। तो ऐसे करते करते रात भी बीत गया। उसके बाद डे टू पर भी मैं सुबह के टाइम पर भी बहुत कुछ कार्बोनी वगैरह और डायन वगैरह मार रहा था। डे टू के सुबह के टाइम पर मैं रैप्टर को मार लेने के बाद मैं थैच का एक छोटा सा बेस जैसा बनाया जिससे मतलब परस्यूट भी एक होता है, मतलब एक 4x4 का एक बेस जैसा कुछ बनाने का या 2x2 जो भी होता है, तो बनाने के बाद तुम्हें मतलब एक्चुअली तुम्हारा एक परस्यूट कंप्लीट होता है तो मैं उसको ही करने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा बेस वगैरह बना लिया। और यहाँ पर कॉम्पी भी दिक्कत दे रहा था तो उनको भी मैं मार लिया, मतलब मैं अचानक से कॉम्पी आ गया था तो मैं भी चौंक गया था ये पीछे से कौन आ गया। खैर अच्छा ये यहाँ पर कोई जीरो वगैरह नहीं आया था। तो इन सारे को मारते मारते मैं एक छोटा सा बेस भी बना लिया था बट वो थैच का था। बेस बनाने के बाद ये सारा कुछ मिशन करते करते मेरा डे टू खत्म हो गया और ये सारा कुछ कर भी रहा था उससे मुझे मिशन भी कंप्लीट हो रहा था और साथ ही साथ कभी कभार रिवॉर्ड भी मिल रहा था जैसे कि एसेंडेड का वो फाइबर का बूट जो भी बोलो, और साथ ही साथ मेरा लेवल अप भी हो रहा था तो इसी कारण से ये सारा कुछ मैं करता गया। तो फिर से नाइट आने वाला था और अभी ये डे टू का नाइट था। डे टू का नाइट खत्म होने के बाद डे थ्री में मैं सुबह उठ के मैं सीधा एक मिशन कंप्लीट करने लग गया जो था डोडो टेन करने वाला। तो एक हाई लेवल का डोडो ही था, मतलब बहुत सारा हाई लेवल का था बट ये सबसे हाई लेवल का था यहाँ पर। तो मैं इस डोडो को जल्दी से जल्दी टेम करने लग गया और ये डोडो मुझे भी मारने को आ रहा था जो बहुत ही बढ़िया लग रहा था, बट ये इसको टेम करने का टाइम बहुत जा रहा था, पता नहीं ये नॉक क्यों नहीं हो रहा था। जल्दी मैं नहीं मार रहा था बिकॉज ये जल्दी मारने के चक्कर में ये मर ना जाए, इस कारण से मैं धीरे धीरे मार रहा था। तो लास्ट में इसको नॉक करके मैं टेम कर लिया जिससे इसको भी लेवल अप मिल गया और हाँ इसको मैं नेम भी दे दिया डोडो रेक्स, जिससे इसको भी लेवल अप हो गया, मेरा मिशन भी कंप्लीट हो गया और मेरे को भी लेवल अप हो गया और ये मेरा फर्स्ट टेम डायनो है। एक्चुअली डायनो तो नहीं है, पंछी है।
मैं डे फोर में मैं पूरा अपना थैच का बेस को तोड़ के उससे थोड़ा सा आगे जाके पानी की तरफ जाके मैं फुल एक वुडन का बेस बनाया, क्योंकि मेरा लेवल अप भी अच्छा खासा हो गया था, जिसलिए मेरा वुडन का सारा कुछ लगभग अनलॉक ही हो गया था। तो इस कारण से मैं एक वुडन का फुल्ली एक बेस बना लिया, जो थोड़ा सा अच्छा भी दिख रहा था, मतलब उतना अच्छा नहीं। हाँ, मैं 100 डे कर रहा हूँ तो मुझे उतना डिजाइन पर फोकस भी नहीं करना वैसे, बट फिर भी अच्छा खासा मैं डिजाइन पर फोकस मतलब उतना तो नहीं किया था, बट फिर भी ठीक ही है, मतलब मान लो ठीक ही है। तो मैं डे फोर में सारा कुछ करते करते मेरा पूरा टाइम बर्बाद हो गया, बट ये बेस अच्छा खासा बन गया। फिर मैं सुबह उठ के थोड़ा सा डीलो हंट करने चला गया, डीलो हंट वाला मिशन कंप्लीट करना था, क्योंकि मुझे कुछ डायनो भी टेम करना था, तो जिससे एसेंडेड वाला बो भी मिल जाए, और अगर कोई कुछ भी सामान ना मिले तो उससे मतलब इस बो से ही मतलब मैं डंजियन कर पाऊँगा। वैसे ये तो करना ठीक नहीं होगा, बट फिर भी मुझे यही करना पड़ेगा, बिकॉज तो और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं कैप तो कर नहीं सकता, तो मैं इसलिए चला गया डीलो हंट करने। तो हाँ, डीलो हंट कर रहा तो ऑब्वियसली और क्या बोलूँ। डीलो वगैरह हंट करके मुझे मिल गया था एक अच्छा वाला बो, और उस बो से मैं सार को मारा, और सार को मार के थोड़ा सा एक्सपी भी अच्छा खासा आ गया। उसके बाद में उस सार्को के क्रेट से ही मुझे मिल गया एक मेटल का पिकैक्स, और उसके बाद मैं चला गया मेगा पिराना हंट करने को, जिससे मुझे मिल गया था सूदिंग बम। और हाँ, ये तो ज़रूरी था, क्योंकि मुझे जो भी टेम करना है तो इसके लिए एक तो सूदिंग बम चाहिए, और वैसे सूदिंग बम मैं यूज़ करूँगा ग्रीफिन के ऊपर। तो वैसे मैं यहाँ पर उसके बाद मैं स्टेगो फेगो देखा, मैं सोचा इनको भी मार लेता हूँ तो हाइट वगैरह आएगा, लेवल अप भी होगा। फिर देखा नहीं, यहाँ पर खतरा हो सकता है, थ्री वगैरह आ सकता है, तो इस कारण से मैं वापस बेस पे आ गया था। और आने के टाइम पे मुझे एक और सार्को दिखा, उस सार्को को भी मैं मारा। तो यहाँ पर वैसे एक दो सार्को नहीं, बहुत सारा सार्को आ रहा था, और बहुत ज़्यादा स्पॉन हो रहा था। वैसे मेरे लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि इनसे मुझे अच्छा खासा सामान भी मिल रहा था, जैसे कि कभी एरो, कभी ट्रंक एरो, या फिर कभी पिकैक्स वगैरह। तो इनको मार के मतलब हाइट भी ले सकता था, ले पा रहा था। उसके बाद में दो ट्राइक को एक साथ एक ही ट्रैप में मैं फंसा लिया, कैसे पता नहीं दो ट्राइक फंस गया था। तो दो भी हाई लेवल का ट्राइक था, तो दोनों हाई लेवल के ट्राइक को मैंने नॉक कर लिया, और नॉक करके मैं दोनों को टेम भी कर लिया। वैसे दोनों ट्राइक टेम होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया, बिकॉज ये हाई लेवल का भी था, और साथ ही साथ इन लोगों का मतलब एक्चुअली सूदिंग बम भी मैं इनको इनके ऊपर नहीं दे रहा था, तो इस कारण से टाइम तो लगना ही था। फिर ये सारा चीज़ करके जब मैं बेस पे आया था, तब ये बेस के अंदर मेरे पीछे पीछे एक डीलो भी आ गया था, मैं देखा भी नहीं था। तो जल्दी से मैं इस डीलो को मार लिया, बिकॉज इस डीलो को अगर ना मारता है, ये बेस को अगर तोड़ भी ना पाए, बेस का कुछ ना कुछ सामान तोड़ देता, या फिर मैं ये डोडो को मार देता, क्योंकि ये हाई लेवल का डीलो था। वैसे मुझे इसको टेम करना चाहिए था, मेरा मिशन भी कंप्लीट हो जाता। खैर छोड़ो, अभी क्या ही कर सकते। तो उसके बाद मैं आके बाकी जो ट्राइक था, मतलब एक्चुअली उन ट्राइक को ही, बाकी जो ट्राइक नहीं, उन सारे ट्राइक को ही मैं टेम कर लिया, वो दो ट्राइक को ही टेम कर लिया।
फिर मैं कुछ दिन तक ट्राइक को लेके बेरी फार्म करने लगा, बिकॉज नार्कोटिक भी बनाना था तो नार्को बेरी तो चाहिए, इसलिए तो मैं ट्राइक वगैरह अटेम्प किया था और बेस भी प्रोटेक्ट होगा। तो उसके बाद मैं टॉक्स मतलब ट्रांक कैरो वगैरह भी बनाया काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा फार्मिंग भी किया, आई मीन बेरी सब नहीं बहुत कुछ चीज़ों का। उसके बाद कुछ दिन बाद, चलो मैं एग्जैक्ट टाइम भी बोल रहा हूँ तो 40 के आसपास कुछ दे होगा, तो मैं आया था टेरोडॉन टेम करने और एक्चुअली मैं बोला भी कर लिया था। और उसके बाद तुम एक्चुअली डे खुद ही देख लेना, गेम पे इन गेम शो होगा। तो मैं एक्चुअली इसको जब ट्रांक कैरो मारा ये यहाँ पर मर गया, ये 109 लेवल का था, पता नहीं मेरा ट्रांक कैरो पे तो इतना ज़्यादा डैमेज का नहीं था, कुछ 100 डैमेज ही देने वाला था, बट पता नहीं इतना जल्दी कैसे मर गया। जो अब क्या ही करे, मैं इसको हार्वेस्ट कर लिया और तुम अभी देख सकते हो मेरा लेवल अप भी आया था और 49 दे एक्चुअली था ये, तो 49 दे। उसके बाद मुझे एक और टेरोडॉन मिल गया, तो उस टेरोडॉन को टेम करके मैं वापस बेस पे चला आया। तो ये टेम करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। उसके बाद मैं चला गया इसको लेके थोड़ा सा एक्सप्लोरर नोट पोर्ट लूटा और भी काफ़ी ज़्यादा इसका मतलब लेवल अप भी हुआ, और ऐसे करते करते डे 51 भी हो गया था। फिर मुझे ग्रिफिन टेम करना था तो मैं ग्रिफिन के पास आ गया था, तो ग्रिफिन को मैं दूर से ले आते आते मेरे बेस के पास ले आया। उसके बाद मैं क्या बोलते हैं अपना टेरोडॉन को दूर रखा, उसके बाद मैं सीधा जाके ग्रिफिन को एग्रो कराया, जो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, मुझे लगा कि मेरा निशाना इतना बुरा है तो नहीं जाएगा, बट मेरा निशाना काफ़ी अच्छा था तो ग्रिफिन मेरे ऊपर एग्रो हो गया। तो किसी तरह से मैं ग्रिफिन को फाइनली, अभी मुझे स्विंग बम यूज़ करना पड़ेगा, तो ग्रिफिन को इस ट्रैप के अंदर फंसा के मैं, मुझे एक भी डैमेज नहीं पड़ा, पता नहीं कैसे नहीं पड़ा, जो भी है बहुत ही बढ़िया हुआ। उसके बाद मैं ग्रिफिन को वहाँ पर ट्रैप करके सीधा यहाँ पर सो गया, और मैं सोने से पहले आसपास देख लिया, वैसे कुछ भी नहीं था, बट यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आया जब मैं ग्रिफिन के पास सोया, सोने के बाद भी मतलब जब सुबह उठ के मैं उसको टेम करने गया, उसका फूड बार बिल्कुल भी लो नहीं हुआ था। तुम अभी खुद ही देख लो क्यों लो नहीं हुआ था, मुझे पता नहीं है ये क्या ग्लिच है। तो सोने के बाद जब मैं सुबह उठा था, उसके बाद मैं डायनो वगैरह हंट करने चला गया था, जिससे प्राइम मीट मिले और काफ़ी सारा मीट, और उसके बाद सूदिंग बम तो है ही। उसके बाद मैं ग्रिफिन को नॉक करके टेम कर लिया, बट उसका फूड बार लो हुआ ही नहीं था, पता नहीं है कैसे हुआ। तो इसी कारण से ग्रिफिन को टेम करते करते मेरा काफ़ी ज़्यादा दिन बर्बाद हो गया। अच्छा हुआ बेस के आसपास काफ़ी सारा जेलीफिश था, उनको मार के मुझे बायोटॉक्सिन मिल गया। ऑलमोस्ट ग्रिफिन टेम होते होते डे 60 लग गया था। उसके बाद मैं ग्रिफिन का थोड़ा बहुत लेवल अप वगैरह किया और कुछ एक्सप्लोरर नोट लूटा, उसके बाद फिर से एक्सप्लोरर नोट लूटा, जिससे अच्छा खासा ग्रिफिन का लेवल अप हो जाए। वैसे ग्रिफिन पहले से ही लेवल अप ही था अच्छा खासा, मतलब काफ़ी अच्छा लेवल का ही था। उसके बाद मैं एक परस्यूट किया जो होता है फाइंड हंटर के वाला, तो मैं कर लिया था। उसके बाद मैं थोड़ा सा टेरोर वार्ड मारने वाला मिशन किया, जिससे मतलब एक्चुअली मुझे एसेंडेड वाला स्वॉर्ड मिल जाए, और उसके बाद और भी काफ़ी सारा मिशन वगैरह किया जो तुम खुद ही देख सकते हो। फिर और किया, उसके बाद मैं दोबारा चला गया मिशन करने, परस्यूट करने, जो होता है हंट अर्जेंट अबिस वाला, और इससे शायद तुम्हें मिलता है एक एसेंडेड वाला क्वार्ट्ज़िल का सैडल। एक्चुअली पीवीई में, पीवीई बोल रहा हूँ सॉरी, ऑफलाइन पे क्या ही ज़रूरत है एसेंडेड सैडल का, क्वार्ट्ज़िल का। वैसे भी कोई तो मतलब बॉस फाइट तो होता नहीं आर्क मोबाइल पे, तो बट फिर भी मैं वो कर लिया मतलब वो सारा कुछ। उसके बाद मैं चला गया हंट, जो भी होता है क्या नाम होता है, वीआर हंट वीआर का मिशन, और ये दो वीआर को मारना पड़ता है। उसके बाद तुम्हें एक एसेंडेड लॉन्ग नेक मिलता है, जो मुझे रात के टाइम पे मिल गया था। हाँ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा था, मेरा ग्रिफिन मरते मरते बच गया, मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख आ जाता अगर एक ग्रिफिन मर जाता तो, यार मेरा 100 डे बर्बाद हो जाता। तो हाँ, मुझे गिफ्ट से यहाँ पर एक हेलमेट भी मिला था। अब तुम बोलोगे हेलमेट कहाँ से आया, तो हेलमेट का बीपी गिफ्ट से मिला था। उसके बाद और भी कुछ दिन गया, उसके बाद मैं एक राफ्ट बनाया था, उसको लेके मैं हार्बिकोड आइलैंड पे आया, और एक एंकाइलो को मैं उसके अंदर डाल लिया, और एंकाइलो को डालने के बाद मैं ब्रोंटो से थोड़ा सा साइड के तरफ आया, क्योंकि ये ब्रोंटो को अगर चोट लग जाए तो मेरा राफ्ट को भी तोड़ देगा और मुझे भी मार देगा, तो मेरा 100 डे यहाँ पर ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसी कारण से मैं थोड़ा सा दूर ले जाके इस एंकाइलो को नॉक किया, उसके बाद इसको नॉक हालत में मैं अपने बेस पे लेके आया और वहाँ पर लाके मैं टेम कर लिया, और थोड़ा बहुत मेटल फार्मिंग भी किया, और मेटल फार्मिंग करके आगे का पार्ट तो तुम खुद ही देख सकते हो।
सारा कुछ करके उसके बाद में आ गया था एक थेरिजिनो टेम करने। आई मीन देखो मेटल फेरल का अभी तो कोई कमी नहीं था, और सीमेंटिंग पेस ऐसे ही में केप पे जाके डायनो को मार के सीमेंटिंग पेस मिल जाता है। हाँ केप पे जाके सीमेंटिंग पेस तो ले सकता हूँ ना, मतलब मैं कोई आर्टिफैक्ट का तो यूज़ नहीं कर रहा, वो ट्रिब्यूट करके मैं कोई मतलब क्या बोलते हैं कोई एसेंडेड आर्मर या फिर कुछ भी नहीं ले रहा, जो परस्यूट कंप्लीट करके मिल रहा है वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो हाँ मैं यहाँ पर एक क्या बोलते हैं थेरिजिनो को नॉक किया, उसके बाद मैं एक दूसरा लो लेवल का थेरिजिनो था उसको मैं मार लिया। अभी इसको क्यों मैं नॉक किया था, बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा वुड चाहिए था और ट्राइक से उतना ज़्यादा वुड नहीं आ रहा था, थैच वगैरह आता है तो फाइबर और वुड काफ़ी ज़्यादा ये फार्म कर सकता है। मैं इसको टेम करके काफ़ी ज़्यादा फार्मिंग वगैरह करने लग गया, जैसे कि क्या बोलते हैं वो सारा कुछ फार्मिंग। उसके बाद में चला गया ब्रोंटो टेम करने थोड़ा कुछ दिन के बाद, क्योंकि कुछ दिन तक तो मैं सारा कुछ फार्मिंग करने ही चला गया था, और उसके बाद मैं ब्रोंटो टेम करने आ गया था। तो ये ब्रोंटो एक हाई लेवल का था मेरे बेस के आसपास ही, तो इसको ही मैं नॉक कर लिया। और हाँ इसको नॉक करने के टाइम पे मेरे पास आ चुका था लॉन्ग नेक, एक्चुअली लॉन्ग नेक तो पहले ही आया था, तो ट्रैंक्विलाइजर डार्ट, और ट्रैंक्विलाइजर डार्ट एक्चुअली मैं उसको भी मतलब यूज़ किया था शायद थेरी के टाइम पर भी, और हाँ इसके लिए मैं ट्रैंक्वैरो भी यूज़ कर रहा था, जो मैं एक्चुअली बोलना भूल गया था, मैं ट्रैंक्वैरो भी बना लिया था। ब्रोंटो को टेम करके उसका मैं मेटल का आर्मर आई मीन की एक प्लेटफॉर्म सैडल पहना दिया था, और हाँ इतना कुछ सामान तो आ गया था कि अच्छा खासा प्लेटफॉर्म सैडल बना पाऊँ। उसके बाद मैं चला आया था ग्रिफिन लेके ग्रिफिन माउंटेन के आसपास ही, और वहाँ पर एक्सप्लोरर नोट लूटा, ग्रिफिन माउंटेन पर ही आया था एक्चुअली। तो एक्चुअली मैं जाने वाला था कान्नो आइलैंड पे, और कान्नो आइलैंड पर ही मैं गया, और कान्नो आइलैंड पे जाके मैं काफ़ी सारा रेक्स ढूंढा, ज़्यादातर लो लेवल का था, एक ही मिला 100 लेवल का, तो उसको मैं नॉक कर लिया, और उसको नॉक करके मैं उसको टेम करने लग गया। और जब टेम हो गया तब पास एक और रेक्स था जो उतना तो हाई लेवल का नहीं था, शायद 40 लेवल का था, तो उसको भी मैं सोचा कि उसको भी मैं नॉक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर दो दो रेक्स को टेम कर लिया। वैसे ये सारा डायनो कोई काम का तो नहीं है, मतलब आर्क मोबाइल पे उतना तो तुम्हें काम आता नहीं है कोई भी डायनो, मतलब हाँ स्टार्टिंग में आता है, उसके बाद उतना तो नहीं, जो पीसी में जो तुम्हें काम आता है मतलब बॉस फाइट में। तो खैर क्या ही कर सकते हैं, हाँ मैं मतलब क्या बोलते हैं वो टारगेट को पूरा करने के लिए मैं सारा कुछ टेम कर लिया। तो उसके बाद अभी बॉस फाइट पर भी जाना था, तो इसी कारण से और भी कुछ मिशन भी कम्प्लीट करना था, क्योंकि मैं केप रश तो कर नहीं सकता। तो अगले दिन सुबह उठ के मैं ग्रिफिन लेके थोड़ा सा ऊपर उठ रहा था, क्योंकि बेस के आसपास ही एक क्वार्ट्जिल था हाई लेवल का, और मेरे पास सैडल भी था, तो समझ रहे हो। तो मैं देखा 190 लेवल का क्वार्ट्जिल है, चलो मैं इसको टेम कर लेता हूँ। हाँ मैं यहाँ पर एक गलती किया था, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा ट्रैंक्वैरो मतलब क्या बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर डार्ट लेके नहीं आया था, तो इस कारण से भाग गया था, मतलब टीम करते करते वॉल्केनो के पास आ गया था। तो मुझे वापस घर पे जाके वो सारा कुछ एरो वगैरह मतलब डार्ट वगैरह लेके आना पड़ा। तो यहाँ पर काफ़ी खतरा भी था, यहाँ पर नॉक तो ये हो गया, बट चलो अच्छा ही हुआ कि ज़्यादा खतरनाक डायनो के पास नहीं हुआ। तो एक्चुअली ये टेम होते होते एक दिन पूरा लग गया, क्योंकि एक तो नॉक हुआ, उसके बाद इसको खाना देने के बाद ये टेम होते होते टाइम लग गया। अगला दिन सुबह ये पूरा टेम हो गया था, इसको सैडल पहना के मैं लेके जा रहा था, और एक क्या बोलते कान्नो को भी मैं उठा लिया था, और कान्नो भी बेचारा गुस्सा हो गया था।
फिर दिन के शाम के टाइम पे मैं स्पाइनो टेम करने आ गया था, जो हाई लेवल का ही मिला था। क्योंकि मैं स्पाइनो क्यों टेम कर रहा था, क्योंकि मुझे एक कॉम्पाउंड बोट चाहिए था एसेंडेड वाला, और जो मिलेगा तो मुझे क्या बोलते हैं हंट ब्लेसियोस और करके, तो ब्लेसियोस और करके हंट ब्लेसियोस और करके, तो इस कारण से मुझे सार्को या कोई भी पानी का अच्छा वाला डायनो चाहिए था। मैं देखा कोई पानी का अच्छा वाला डायनो से अच्छा जो पानी जमीन दोनों में ही अच्छा है, स्पाइनो को टेम कर लेता हूँ, जो सही में काफ़ी ज़्यादा ओपी होता है। तो मैं एक हाई लेवल का स्पाइनो को नॉक करके उसके बाद में इसको टेम कर लिया, और हाँ ये भी टेम होते होते एक दिन पूरा लग गया। फिर मैं स्पाइनो लेके आ गया था पानी के अंदर, और ब्लेसियोसॉर ढूंढते ढूंढते फाइनली मिल गया था मुझे ब्लेसियोसॉर, और बस ब्लेसियोसॉर को मैं मारने लग गया, क्योंकि उसको मारने के बाद ही मुझे मिलेगा वो क्या बोलते हैं वो कंपाउंड को जो एसेंडेड वाला होगा। तो इसके बाद मैं ब्लेसियोसॉर हंट वाला मिशन को कम्प्लीट कर लिया। तो ब्लेसियोसॉर को मार के मुझे सिर्फ एसेंडेड वाला कंपाउंड वो ही नहीं मिला था, मुझे एक ट्रॉफी वगैरह भी मिला था, और मुझे ऑयल भी मिला था। हाइप तो पहले से ही था, तो इस कारण से मैं ऑयल बनाने लग गया। उसके बाद अब तुम बोलोगे मैं केप के अंदर क्यों आया था हंटर केप पे, वो भी एसेंडेड राइफल लेके। एक्चुअली मुझे हंट एरानियो वाला मिशन करना था, जिससे एक्चुअली मुझे वो क्या बोलते हैं शॉटगन मिलेगा, जो मतलब एसेंडेड वाला शॉटगन। बट उसको लेके मैं जब आया था मतलब मिशन करने, तब केप के अंदर जाते ही आर्टिफैक्ट वाला मिशन ऑटोमेटिकली ऑन हो रहा था। जब तक ना मैं करूँगा तब तक ये मिशन कंप्लीट नहीं होगा, तो इसलिए मुझे हंट मतलब एक आर्टिफैक्ट वाला मिशन करना पड़ा हंटर केप का। तो मजबूरन मुझे वो कम्प्लीट करना पड़ा, और कम्प्लीट करके जो मुझे मिला वो ट्रिब्यूट में कर लिया, और ट्रिब्यूट करके जो सामान मिला वो मैं यूज़ तो करने नहीं वाला, और तुम देख भी लिए क्या सामान है, और वैसे भी वो यूज़ कैसे भी करूँगा, क्योंकि वो सामान तो मेरा कोई यूज़ लायक है भी नहीं, क्योंकि पिकैक्स का भी कोई ज़रूरत नहीं है, और एसेंडेड पिकैक्स लेके क्या ही डंजियन को कौन करने जाता है। तो इस कारण से मैं एसेंडेड मतलब क्या बोलते हैं एसेंडेड शॉटगन का मतलब मैं मिशन कंप्लीट करने लग गया। तो जो होता है 20 स्पाइडर को मारना पड़ेगा कि केप के अंदर ही मिलता है स्पाइडर आर्क मोबाइल पे, तो मैं चला आया केप के अंदर और 20 स्पाइडर को मारा, और मुझे एक शॉटगन भी मिल गया, और रैंडमली मुझे शॉटगन मिला था और अच्छा खासा ही डैमेज का था। और हाँ मैं एक्चुअली वो जो केप का मतलब ट्रिब्यूट किया था, अब तुम बोलोगे उसका मैं कोई यूज़ तो नहीं कर रहा, तो तुम देख सकते हो मैं अभी भी कोई सामान यूज़ तो किया नहीं हूँ केप मतलब केप करके जो मुझे मिला। और उसके बाद मैं ब्रोंटो लेके कुछ दिन तक बेरी फार्म करने लग गया, क्योंकि अभी मुझे जाना था डंजन पे, और डंजन पे जाने के लिए मुझे हीलिंग जो भी होता है पोषण बनाना होगा, तो उसके लिए बेरी चाहिए काफ़ी ज़्यादा, जो रेड बेरी होता है काफ़ी ज़्यादा चाहिए। इस कारण से मैं काफ़ी ज़्यादा वो बेरी फार्म करने लग गया, और यहाँ पर ट्राइक और जितने भी डायनो है मेरे ऊपर एग्रो हो गया था, तो सारे डायनो को मारते मारते बेरी फार्म करते करते काफ़ी दिन वेस्ट हो गया। अब तुम डंजन पर भी देख पाओगे जो सामान मुझे ऐसे मिला उन सामान को ही मैं यूज़ करूँगा, ना ही केप करके जो मुझे अभी मिला तुम्हारे सामने वो सारा सामान मैं यूज़ ही नहीं करूँगा, तुम खुद भी देख पाओगे। तो वो सारा काम करने के बाद मैं एक जनरेटर भी बनाया, और एक फ्रिज भी बनाया, और हीलिंग पोशन भी बनाया, और ये सारा कुछ काम करते करते टाइम बर्बाद हुआ, और एमओ फेमो वगैरह तो मैं पहले ही बना लिया था।
सो फाइनली उसके बाद मैं इंटर कर गया डंजन पे, और डंजन पे इंटर किया मैं सबसे पहले वाला जो डंजन है उस पे, मतलब जो जब मैं वीडियो बना रहा था तब जो डंजन आया था मतलब अवेलेबल था उस वाले डंजन पे, और मेरे पास कोई भी वैसे अच्छा खासा आर्मर या फिर कोई भी वेपन नहीं था, और डंजन था आइस वाला, और अभी होने वाला है तगड़ा बैटल, और जिसमें ऑब्वियसली मैं हारूंगा क्योंकि ना मैं डंजन उतना अच्छा कर पाता हूँ और ना मेरे पास अच्छा खासा आर्मर और वेपन वगैरह है। तो अभी तो पता ही चल रहा है कि मुझे मौत मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लूट ले लिया जो पता नहीं मेरा कौन से काम में आएगा, और यहाँ पर बर्फीला कुछ जगह, तो उसके बाद मैं चला गया थोड़ा सा आगे की तरफ। उसके बाद मैं एंटर किया डायनो रूम पे, और ये शायद था डिमोट्रो या पता नहीं कोई एक तो डायनो होता है, एक्चुअली क्रिएचर होता है, तो रेप्टाइल एक्चुअली कोई तो होता है, एक्चुअली डायनो ही होता है। तो उसके रूम पे एंटर किया, पहले तो मुझे लगा कि इनको इजीली मार दूंगा, बट यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया। वैसे मरा तो नहीं बट मेरे को काफ़ी अच्छा डैमेज दे दिया, और मेरा जितना भी आर्मर था वो सारा टूट गया। गेम क्रैश ओपी पता नहीं क्यों क्रैश हो गया, इतना दिन से 100 दे कर रहा हूँ तब तो कुछ हुआ नहीं, डंजन पे जाके क्रैश हो गया। बहुत ओपी बोलते हैं क्योंकि ये लोग भी चाहता है कि मैं डंजन कंप्लीट ना कर पाऊँ। तो दोबारा मैं गेम को ओपन कर लिया और उसके बाद मैं वापस गया। चलो अच्छा है कि मेरा जहाँ पर सेव हुआ था वहाँ पर है, मतलब फाइट के बीच में नहीं हूँ मैं, बहुत ओपी बात है। तो फिर से मैं फाइट स्टार्ट कर लिया। मेरा आधा आर्मर तो बर्बाद हो चुका है, इसलिए मैं दोबारा जो एक्स्ट्रा मेरा आर्मर था, एक्स्ट्रा ही एक ही आर्मर था, उसको मैं पहन लिया। और मैं अभी मुझे समझ आ रहा है कि मैं सिर्फ एक एक्स्ट्रा आर्मर ला के कितना गलती किया, क्योंकि इसके बाद जो रूम होगा रायनो वाला उस पर तो मैं डेफिनेटली मरूंगा, और उसके लिए मुझे थोड़ा दिन तक मतलब थोड़ा टाइम तक सर्वाइव करने के लिए कम से कम 2 या 3 एक्स्ट्रा आर्मर तो चाहिए था जो मैं नहीं लाया, और अभी पता नहीं मैं ऑब्वियसली मरने वाला हूँ। राइनो रूम का तो पता नहीं बट मुझे लग रहा है कि मैं आइस ट्रैप पे ही मर जाऊंगा, इसी कारण से मैं गेम को सेव कर लिया। वैसे मैं क्यों सेव किया, नहीं क्या फ़ायदा, मैं मरने के बाद तो वैसे भी ये सीरीज यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा, मैं क्यों सेव किया मुझे भी नहीं पता। हीलिंग कर लिया, मैं ट्राई किया और मैं बिल्कुल भी नहीं मरा, मतलब ज़िंदगी में पहली बार, सही में मैं बोल रहा हूँ ज़िंदगी में पहली बार मैं आइस ट्रैप किया हूँ जहाँ पर मैं एक बार भी नहीं मरा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कैसे हो गया, बट जो भी हुआ काफ़ी बढ़िया बात है। उसके बाद मैं आगे बढ़ गया। फैसिलिटी की लेने के बाद अभी मुझे दोबारा एक और आइस ट्रैप करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं बॉस फाइट तक जा पाऊँगा। बट वो रूम करने से पहले मेरे को आएगा, मेरे सामने आएगा रायनो रूम, जो मुझे नहीं लगता मेरे साथ मतलब मेरे से हो पाएगा। बट रायनो रूम को छोड़ो यार, सबसे पहले आता है यहाँ पर एक आइस वाला ट्रैप, और मुझे नहीं लग रहा इस बार मैं कर पाऊँगा।
और ये ट्रैप करके मैं सही में मरने वाला था, अभी तो सही में मरने वाला था, ऑलमोस्ट मेरा हेल्थ चला गया था। अभी फिर से हीलिंग हो रहा है क्योंकि मैं हीलिंग पोशन पी लिया, बट पता नहीं कैसे मैं बच गया। हो सकता है मेरा लक अच्छा है या पता नहीं मेरा स्किल इंप्रूव हो चुका है, मुझे भी नहीं पता। खैर जाने दो, इसके बाद तो अभी आने वाला है राइनो रूम। अभी तक तो मैंने जो भी किया मतलब मेरे लक के ऊपर या फिर स्किल के ऊपर डिपेंड था, बट अभी जो आने वाला है उसके ऊपर तगड़ा स्किल चाहिए, जो मेरे से नहीं हो पाएगा तो मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगा, तो आगे ही पता चलेगा। फिलहाल मैं यहाँ पर हीलिंग कर लिया, उसके बाद मैं चला गया डायनो रूम की तरफ, आई मीन राइनो वाला रूम की तरफ। ये सारा कुछ करने के बाद अभी था वॉल ट्रैप, जो मेरे से इजीली हो जाएगा बिकॉज ये सोलो का वॉल ट्रैप है, और आर्क मोबाइल का ऑफलाइन का वॉल ट्रैप जो सिंगल वाला होता है वो काफ़ी इजी होता है। अब पता नहीं इतना इजी क्यों होता है, पता नहीं गेम का ग्लिच हो सकता है, तो जो भी है इसको भी मैं कर लिया। तो रूम के पास आने के बाद मैं सोचा कि मैं पहले अपना कंट्रोल को ठीक कर लेता हूँ, तो पहले मैं अपना कंट्रोल को ठीक कर लिया, उसके बाद मैं रूम पे एंटर कर गया, और अभी पता नहीं मैं मरूंगा कि बचूंगा। बस हाँ, यहाँ पर ही ख़त्म हुआ मेरा 100 डे, और इस बार का 100 डे तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। और हाँ, तुम लोग अगर 100 डे मतलब रेड रूट का 100 डे का पार्ट टू अगर नहीं देखे, जो एक्चुअली मतलब 200 डे का जो भी था या पता नहीं जो भी था, तो एक्चुअली वो अगर तुमने नहीं देखा तो मेरा फर्स्ट चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और हाँ, इस चैनल पर बहुत दिन के बाद मैं कोई 100 डे का वीडियो अपलोड किया, और वो भी बहुत दिन के बाद वीडियो अपलोड किया, तो इसके लिए सॉरी, बिकॉज देखो इतना तो टाइम नहीं है, और ऊपर से दोनों चैनल भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है मेरे से। तो बाय बाय, मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो पे, और अभी तो कुछ कर नहीं सकता बिकॉज ये 100 डे तो हो गया बर्बाद, और ये वॉल्ट भी मैं कर दिया उसके बाद डिलीट, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि सारा कुछ बर्बाद हो चुका है। अभी फिर से शुरू से स्टार्ट।